बात करेंगे फेयरनेस क्रीम्स के ऊपर, गोरे होने का जो ट्रेंड है और जो इंटरनेट पे आप देखते हैं बहुत सारी क्रीम्स जो आपको प्रॉमिस करती हैं, कोई 10 दिन में गोरा कर देगी, कोई महीने में गोरा कर देगी, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी मिलियन मिलियन फॉलोइंग है इसी गोरेपन को लेके। हमारी कंट्री में एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे रंग के लोग एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि डिफरेंट रंग के लोग क्यों होते हैं, कोई गोरा और कोई काला क्यों होता है। गोरा और काला एक चीज पे निर्भर होता है, वो है मेलानिन जो हमारी स्किन में रहता है। ये पिगमेंट हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। जब हम सनलाइट आती है, आधी यूवी रेडिएशन ब्लॉक हो जाती है ओजोन लेयर से, फिर जो बची कुची रेडिएशन हमारी स्किन पे पड़ती है उसको मेलानिन पिगमेंट ब्लॉक करता है ताकि वो अंदर के सेल्स को डैमेज ना करे। जो भी फिनोमेना है, चाहे आप एजिंग ले लीजिए, चाहे सेलुलर डैमेज ले लीजिए, या बॉडी पे कोई भी मैल फंक्शन ले लीजिए, वो यूवी रेडिएशन की वजह से भी होता है। तो भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें ये पिगमेंट हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। और जिन लोगों में ये ज्यादा पिगमेंट है वो ज्यादा अमीर है। अमीर का मतलब कि भगवान ने उनको नेचुरल प्रोटेक्शन दी है सनलाइट से बचने के लिए, उनको बार बार यूवी सनस्क्रीन लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जो कि गोरे लोगों को पड़ती है, जो कि अगर धूप में जाए और बड़ी जल्दी सनबर्न और सन डैमेज हो जाता है। अगर आप ब्राउन हैं या आपका कलर डार्क है तो आपको सैड फील करने की जरूरत नहीं है या दूसरे से कम फील करने की जरूरत नहीं है। यू आर एज ब्यूटिफुल एज अ फेयर पर्सन एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ब्राउन कलर। वो क्यों? क्योंकि आपके पास एक चीज दूसरे लोग से ज्यादा है और वो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए है। बहुत लोग आते हैं कि हमें गोरा कर दीजिए। मुझे बताइए, अगर आपको कोई चीज आपकी प्रोटेक्शन के लिए दी है और दूसरी तरफ आप उसको अपनी बॉडी से निकालना चाहते हैं कि जल्दी से कैंसर हो मेरी बॉडी में, वो कहाँ की समझदारी है। इसी गोरेपन के चक्कर में बहुत सारे लोग बेवकूफ बनते हैं, अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हैं और इंटरनेट पे जो चीज मिलती है ऑर्डर करके अपने मुंह पे लगा लेते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, एक ऐसी लड़की जिसने धोखेबाज लोगों को यूट्यूब पे देख के एक क्रीम मंगवा ली कि जल्दी से जल्दी गोरा होने के लिए। उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा चेहरा खराब कर दिया। इतनी दर्दनाक सर्जरी मैंने उसकी की कि उसके फेस की जो लेयर्स जो खराब हो गई थी उसको उतारा ताकि उसका जो नेचुरल ब्राउन कलर है वो वापस आ सके। उस लड़की की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसके मुंह पे कालक पोत दी है। क्योंकि जो चीज आपको नेचुरल बाय बर्थ दी गई है, अगर आप उससे छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स लगा के, आप ना ही उस चीज को अब्यूज कर रहे हैं बल्कि अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अगर आप मुझे पूछो, जैसे मैं स्किन की सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सारी ट्रीटमेंट करती हूँ, मेरे साथ पास दुनिया की बेस्ट लेजर्स है, अगर आप मुझसे एक सवाल पूछो क्या डॉक्टर फुल बॉडी आप मेरे को गोरा कर सकते हो, मैं बोलूंगी नहीं हो सकता गोरा फुल बॉडी। और अपने आप को ये समझा लीजिए कि अगर आपका कलर ब्राउन है या डार्क है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टीज करता है वापस टीज कर दीजिए कि हमारे पास तुम्हारे से ज्यादा मेलानिन है और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। दे आर पुअर इन मेलानिन, उनका नुकसान है, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये बात याद रखो, कोई ऐसी वर्ल्ड में अजूबा क्रीम या लेजर अभी तक नहीं आई जो आपको फुल बॉडी 5 से 6 शेड्स लाइट कर दीजिए और अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ये जितनी मार्केट में अवेलेबल फेयरनेस क्रीम्स हैं जिनकी आप बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, टीवी में एड देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं 2 हफ्ते में गोरा हो जाइए, प्लीज इन चीजों से सावधान रहें। क्योंकि ये जो क्रीम्स हैं इनमें बड़ी हैवी स्टेरॉइड्स, मर्करी, हाइड्रोक्विनोन हायर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। ये एक तरह का जहर है आपकी बॉडी के लिए। टेम्पररली तो आपको गोरापन दिखेगा लेकिन लॉन्गर रन में या आपकी स्किन को इतना खराब कर देगा कि आप अपनी शक्ल शीशे में देखने से डरोगे। यही एक कहानी हम आपको बताना चाहेंगे ताकि जनता एजुकेट हो जाए और बेवकूफ बनना बंद करें ये लोग, उन लोगों को जो सोचते हैं काला और ब्राउन होने में
कोई प्रॉब्लम है. लव योर कलर. यू आर इंडियन. आप अमेरिकन या इंग्लिश या स्विस नहीं है कि आप सफेद होंगे. और सफेद होना कोई ब्यूटी का बहुत बड़ा साइन नहीं है. इंडियंस आर कंसिडर्ड एज ब्यूटिफुल पीपल विद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीचर्स. सो प्लीज पेरेंट्स अपने बच्चों को काले और गोरे के भेदभाव से बाहर निकालें. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है मदर्स को अपने बच्चों को लाते हुए, डॉक्टर ये थोड़ी सी काली है, ऐसी चीजें बच्चों के दिमाग में मत डालें. क्योंकि हमें एज डॉक्टर बहुत बुरा लगता है कि अगर माँ ही अपने बच्चे को बोलेगी ये काला है तो बच्चा क्या करेगा. काला होना कोई गाली नहीं है, काला होना कोई गुनाह नहीं है. भगवान ने आपको एक चीज एक्स्ट्रा दी है दूसरे से. आपको प्राउड होना चाहिए कि भगवान ने आपको दूसरे के मुकाबले में ज्यादा एक चीज दी है जो आपकी बॉडी को कैंसर से प्रोटेक्ट करे. तो कृपया एक अपनी बॉडी पे रहम करें. उसको जो मेलानिन आपको दिया गया है उसको स्ट्रिप करने की कोशिश मत करें. और अपने आप को ग्रेवयार्ड तक जल्दी पहुंचाने की कोशिश मत करें. तो सबसे बड़ा लेसन क्या होगा कि फेयरनेस क्रीम्स आप अपने फेस पे लगा के अपने फेस की स्किन को खराब मत करें. दूसरा, बार बार डॉक्टरों के पास जाके हमको गोरा कर दो की दहाड़ ना लगाएं. क्योंकि कई डॉक्टर एथिकल होते हैं, कई डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स नहीं होते, जो क्वैक्स बैठे हैं कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में, वो पैसा कमाने के लिए आपको बोलेंगे हाँ लेजर कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं गोरा करने के लिए. आप अपने पैसे भी गवाएंगे और अपनी स्किन पे. क्योंकि मैं ये सब लोगों को अपने सेंटर में देखती हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप एजुकेट हो जाए और बेवकूफ बनना बंद हो. तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, इंस्टेड ऑफ सीकिंग चेंज ऑफ योर कलर, यू शुड एम फॉर अ इवन टोन स्किन. बाकी गोरा होने से अच्छा है कि आप अपनी स्किन को हेल्दी ग्लो दीजिए. उसमें भी बहुत ब्यूटी आती है फेस पे. एस्थेटिकली द फेस लुक मच मोर एनहांस्ड देन बीइंग वाइट और बीइंग डार्क. मैंने बहुत देखा है कि जो इंडियन फीचर्स हैं, अगर हम उनको कलर चेंज कर देते हैं, उनको सफेद कर देते हैं, वो नहीं सुंदर दिखता है. हम भगवान ने इंडियंस को फीचर्स ही ऐसे दिए हैं जो कि ब्राउन या डार्क कलर में ही सुंदर लगेंगे. तो गोरेपन के पीछे भागना छोड़िए. क्योंकि जैसे मैंने समझाया, जो गोरे यूएस में या लंदन में है वो ब्राउन होना चाहते हैं, बीचेस पे लेटे रहते हैं, घंटों घंटों लेटे रहते हैं, वो भी ब्राउन नहीं होते. वो जल जाते हैं लेकिन ब्राउन नहीं होते. तो जिस कलर का भगवान ने आपको बनाया उसमें खुश रहिए, उसको हेल्दी रखिए, अच्छा खाइए. लाइक टेक लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स, ड्रिंक हेल्दी, ईट हेल्दी. योर स्किन विल रिफ्लेक्ट अ हेल्दी ग्लो. और अगर अनइवन टोन है, कहीं मार्क्स हैं, तो आप प्लीज हमारे पास आइए, हम उसको हेल्दी ग्लो दे देंगे. बट प्लीज, इट रियली ब्रेक्स आवर हार्ट व्हेन यू कम कि हमें गोरा कर दो. बहुत सारी लड़कियां रोती रोती भी आती हैं कि हम काली हैं इसलिए हमारी शादी नहीं हो रही है. मुझे समझ नहीं आता कि ये कॉम्प्लेक्स उनके दिमाग में कौन डालता है. और जो भी ये वीडियो देख रहा है, कलर के ऊपर अपने फ्रेंड्स को, लड़कियां और लड़कों को टीज मत करो, काले या ऐसे करके मत बोलो. ये बहुत गलत बात है दूसरों की साइकोलॉजी से खेलने के लिए. I think this is the message which I would love to give to my audience who's watching this video. I want you to be safe and healthy ताकि आप लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए. क्योंकि बहुत सारे आंसू मैं अपने केबिन में देखती हूँ. क्योंकि उन लोगों को इग्नोरेंस होती है, सीधे लोग होते हैं और बचपन से सिखाया जाता है गोरा सुंदर है. नहीं, गोरा सुंदर नहीं है. हर कलर सुंदर है क्योंकि ऊपर वाले ने दिया है. और हमारे पास जो चीज नहीं होती हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं. और इस बदलने के चक्कर में जो अच्छी चीज दी गई होती है वो हम खराब कर लेते हैं. जिनके कर्ली बाल होते हैं वो चाहते हैं स्ट्रेट हो जाए और उसको केराटिन करा करा के पूरे गंजे हो जाते हैं. जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं वो चाहते हैं कर्ली हो जाए, उसको पर्मिंग करा करा के केमिकल लगा के खराब हो जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान ने दिया है उसकी केयर करते हैं और वो और सुंदर देते हैं. जो चीज ऊपर वाले ने दी है उसकी केयर कीजिए, उसको अच्छे से ध्यान रखिए ताकि वो उसी हाल में सुंदर दिखे.
अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे ना वो पहले जैसी रहेगी ना वो जो आप चाहते हो वो रहेगी, वो बीच में कुछ और ही बन जाएगा और फिर आप दुखी होते रहेंगे। For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.